देखिए, जन विश्वास रैली को लेकर, महा रैली को लेकर तैयारी जोरों पर है। ऐसे में जो सभी विधायकों और नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्रों से जो जनता आ रहे हैं उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। खुद देखिए, सीतामढ़ी के जो बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं मुकेश कुमार यादव जी, खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि चीज़ों को लेकर और किस तरीके से जो बिहार भर से जो लोग आ रहे हैं उसकी तैयारी क्या है। हम जानेंगे सीधा जो बीजेपी के आरजेडी के विधायक है सीतामढ़ी से, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से, जो मुकेश कुमार यादव जी, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है आपके क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं। क्षेत्र से बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी जिला से करीब 5000 लोग यहाँ पर आएंगे। 5000 लोगों की खाने पीने की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो जन विश्वास यात्रा था, उसी में उन्होंने घोषणा किया था कि एक रैली हम लोग पटना के जन विश्वास महारैली करेंगे। और अपने नेता जो हम लोग के गरीबों की आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अब क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, उनको भी यहाँ आने के बाद हम सब लोग बिहार से इकट्ठा होकर उनकी भाषण को भी सुनेंगे। इसलिए यह जन विश्वास महारैली का आयोजन रखा गया है। और जन विश्वास महारैली इसलिए रखा गया है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 साल में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, 17 महीने हम लोग गठबंधन में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, और 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो आज 17 महीने में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के थके हुए मुख्यमंत्री से करवाने का काम किया है। एक मिसाल है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, स्वास्थ्य के सेवा हो, शिक्षा के सेवा हो या अन्य सभी में, उन्होंने वो घोषणा किया था जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जब सरकार हम लोग 17 महीने में सरकार में आए तो एक बार खास करके शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 3 लाख टीचर की बहाली बीपीएससी के माध्यम से करवाने का काम किए, 5.5 लाख सरकारी नौकरी अन्य विभाग के मिलाकर मिला, स्वास्थ्य में भी 1 लाख करीब नियुक्ति की चैनल बन गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री जी धोखा देकर पलटी मार दिए। जनता देख रही है क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, हमारे नेता सिर्फ जनता के लिए ही सोचते हैं, नौजवानों के लिए सोचते हैं, बेरोजगारों के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर उनको लोभ रहता पद से तो हम 80 विधायक थे और 115 विधायक हम लोग थे, हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनते। उनका मुख्यमंत्री और पद से लोभ नहीं है, उन्होंने जनता को सोचे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही रखकर हम जनता से जो वादा किए हैं उस वादा को निभाने का काम करेंगे, उसी तहत 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए। लेकिन सरकार जाने के बाद ये महारैली होना कितना सफल हो पाएगा? एक तरफ प्रधानमंत्री का भी आगमन आज हो रहा है और बड़ी सौगात वो दे रहे हैं बिहार के लोगों को, तो कैसे ये सफल मिल पाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग को पूरे देश में किसी आदमी से डर है तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से है। इसलिए बार बार कभी जेपी नड्डा हो, कभी प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, सभी लोग का बराबर बिहार में दौरा होता है। लेकिन हम बिहार की जनता को कब तक ठगिएगा, देश को जनता को कब तक ठगिएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग ठगने का काम किया है। हमारे नेता जो घोषणा पत्र में किए थे उस घोषणा पत्र को लागू किया। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, 17 महीने में 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। क्या नौकरी मिला? 10 साल हो गया, 10 गुना 20, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, नौकरी मिली? नहीं मिली। इसीलिए पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों, माताओं बहनों का विश्वास आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर आ गया है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज पूरे गांधी मैदान ही नहीं, पूरे पटना, हाजीपुर, पूरा रोड जाम, चक्का चक्का जाम रहेगा अपने नेता को सुनने के लिए। बिहार से लोग टायर से, बस से, जीप से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, सभी चीज से लोग आ रहे हैं, अपने अपने संसाधन से भी आ रहे हैं। एक तरफ आपके विधायक भी टूट रहे हैं, कई विधायक आपके, 5 विधायक चले गए हैं एनडीए के साथ। देखिए, वैसे विधायक का नाम मत लीजिए हमारे सामने में, जो विधायक को जनता चुन कर भेजी है उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं था, उनका कोई सिद्धांत नहीं था। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम पर विधायकों को वोट मिला कि हमारे नेता का एजेंडा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, स्वास्थ्य सेवा ठीक करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था ठीक करेंगे, इसलिए उनके विश्वास पर वोट दिया। वैसे गद्दार विधायकों को हमारे नेता सबक सिखाए चाहे नहीं सिखाए, जनता जरूर सबक सिखाएगी। और मैं अब मीडिया के लोग भी कहने लगे हैं कि विधायक भी बिक रहा है, विधायक का जो विधायक बिकने वाले विधायक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप पैसा के बल पर, लोभ से आप सत्ता बदल सकते हैं, आप पाला बदल सकते हैं, वैसे लोगों को आपको चुनाव में जनता जरूर सबक सिखाएगी।
क्या क्या व्यवस्था आप अपने जनता के लिए कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ बुनिया पूरी कचौड़ी रात में खाना की व्यवस्था है, उसके बाद कल सुबह में भात दाल सब्जी की व्यवस्था है, भात दाल सब्जी पापड़ भुजिया दनौड़ी इसकी व्यवस्था है। फिर हम लोग के यहाँ से जो जो लोग जाएंगे यहाँ सभी प्रत्येक बस में गाड़ी में फिर पूरी कचौड़ी पूरी और सब्जी पैक करके फिर जाने का यहाँ से जाएंगे लोग तो रात में पहुंचेंगे, इसलिए वहाँ भी व्यवस्था है, गाड़ी गाड़ी में रहेगा, पानी नाश्ता कार्यक्रम भी सभी जगह कार्यक्रम। अब लोग आएंगे रात में, यहाँ उतने आदमी की व्यवस्था नहीं सुतने का है, तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम लोग सुनेंगे और अपना अपने नेता को भाषण सुन के जाएंगे। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यादव जी हैं जो राजद के विधायक हैं, विधानसभा बाजपट्टी सीतामढ़ी से आते हैं और ऐसे में पूरी व्यवस्था इन्होंने की है, रहने खाने और रंगारंग कार्यक्रम का भी व्यवस्था किया गया है इस हॉल में और पूरी तरीके से जो बिहार भर से जो जनता इनके आने वाली है उसकी तैयारी जोरों पर है। जो विधायक छोड़कर जा रहे हैं उनको जनता आने वाले लोकसभा और विधानसभा में जवाब देने का काम। मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया हर पल पटना।